अगस्त का दिन था, यहाँ पे एक ख़तरनाक किस्म का सैलाब आया दरमंदर के अंदर, जिससे यहाँ दरमंदर के अंदर कोई 162 के करीब घर तबाह हुए, जिनकी ज़मीनें मकानात फसलें और 30 के करीब घराने जो हैं मुकम्मल वाश आउट हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से और अपने दरमंदर के अवाम की तरफ से खिज़र टुडे का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी टीम दरमंदर आई और हमारा हाँ वो हाल पुरसी की। तो मेरी अभी इस चैनल के थ्रू हुकूमत वक्त से ये अपील है कि इन लोगों के लिए सर्दी का मौसम है, ऊपर से बर्फ़ आ रही है, 10,000 की बुलंदी है यहाँ पे, तो हीटिंग का कोई सिस्टम इनके लिए, कपड़े वगैरह फूड के पैकेजेस इनको थोड़े बहुत मिले भी हैं, लिहाजा इनके लिए कुछ मकानात का कोई सिस्टम किया जाए। बूपुर को मॉडल विलेज बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई इंसान बस रहे हैं, हैवान यहाँ पर भी नहीं बस रहे, इसलिए हमारे हुकूमत वक्त से अपील है कि जो बूपुर से यहाँ सैलाब ज़्यादा आया था लेकिन जानी नुकसान वहाँ पर ज़्यादा हुआ है, जिससे वहाँ पर लोगों की मदद की जाए, बेशक सही तरीके से की जाए, लेकिन हमें भी यहाँ तनहा ना छोड़ा जाए। तो इस चैनल के थ्रू मेरी ये अर्ज़ अपील है कि इन लोगों की हाल पुरसी की जाए। हम मुतासिर है जो बाहर है, यहाँ अभी ये ऊपर से बारिश आ रहा है, नीचे यहाँ कुछ बैठने के लिए जगह नहीं है, जो खर्चा दिया है हमें, जो चीज़ दिया है, लेकिन अब कहाँ खाए, तो हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं तो हमें कोई ना कोई जगह मिल जाए। लोगों का डेरा भी गया, पढ़ भी आयो, 25 डेरा गया।